हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित गोस्वामी और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अमेजोन से आपको रिफंड कैसे लेना है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं अमेजोन से सामान मंगा लेते हैं, उसके बाद वो कंपनी रिफंड नहीं करती। आप अगर सामान अपना भेज देते हैं तब, या फिर आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट भी अप्रूव नहीं होती है कई बार, तो उस रीजन में आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको और आपका रिफंड 100% आपको मिलेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। वीडियो से अगर हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका अमेजोन से रिफंड नहीं आया है तो ये वीडियो देखिए, आपका 100% रिफंड आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर रिफंड नहीं आता है तो मुझे मैसेज करिए, आपका इशू मैं आपका रिफंड दिला कर दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो से आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था रिफंड, लेकिन फिर मैंने एक ऐसी ट्रिक अप्लाई की, मैंने तरीका बढ़ाया, उससे मुझे रिफंड आ गया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि तरीका क्या है, कैसे आप अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो आइटम है वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसका कैसे रिजोल्यूशन करेंगे, या फिर आपका रिफंड अटका हुआ है तो आपका रिफंड कैसे आप वापस लेंगे अमेजोन से। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, जो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जिस ऑर्डर नंबर की बात कर रहा हूं, वो ऑर्डर नंबर ये है, आप इसे देख सकते हैं, लास्ट में 957 ऑर्डर नंबर है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था और वो मुझे डिलीवर हुआ 3,799 रुपये, मतलब कि लगभग 3800 रुपये का वो ऑर्डर था और वो मुझे डिलीवर जो हुआ था, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, डेट इसमें आ जाएगी, 17 फरवरी को मुझे डिलीवर हुआ था वो ऑर्डर। उसके बाद मैंने ये ऑर्डर जो ओपन किया था तो मुझे डिफरेंट आइटम मिला था, मुझे तो डिफरेंट आइटम की मैंने इसमें रिक्वेस्ट रेज की थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डिलीवर्ड योर अमेजन पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, तो ये मुझे डिलीवर हो गया था 17 तारीख को। जब मैंने इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी तो बोल रहे थे कि एज पर द रिटर्न ट्रैकिंग आइटम विल बी रीच बैक टू सेलर बाय फरवरी 24, 2022 एंड यू विल सी द रिफंड स्टेटस 5 to 7 बिजनेस डेज। मतलब बोले थे कि 5 से 7 दिन में आपका रिटर्न का रिफंड स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड कब आएगा कब नहीं आएगा। ये जो मेल आई है ये 23 तारीख को आई है, ठीक है, 23 तारीख को, लेकिन 17 से 23 के बीच में क्या हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया एजुकेशन टीम पर मैंने अपनी कंप्लेंट की थी ट्विटर पर, तो ये बोलना है कि हेलो सुमित, आई एम मृत्युंजय फ्रॉम अमेजोन इंडिया सोशल मीडिया टीम, ठीक है। सोशल मीडिया टीम पर जब मैंने कंप्लेंट की थी तो बोल रहे थे कि आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं कि आई अपोलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस यू हैड गो थ्रो, आई हैव सक्सेसफुली एस्केलेटेड योर इशू ऑन टीम विल बी चेक विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। मतलब ये बोला कि मैंने आपका इशू जो है हाईलाइट कर दिया अपनी टीम को और वो इंटरनली चेक करेंगे 3 से 5 बिजनेस डेज में, 3 से 5 बिजनेस डेज में आपका पता चल जाएगा कि आपका रिफंड आएगा या नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 5 दिन भी और देख लेते हैं, 17 तारीख को मेरा ऑर्डर आता है और 23 तारीख हो जाती है, फिर भी बंदा वेट करता है कि उसका पैसा शायद वापस आ जाए। उसके बाद बोलता है दूसरा बंदा सोशल मीडिया टीम से, ये बोल रहे हैं कि आई एम माजिद फ्रॉम अमेजोन सोशल मीडिया एस्केलेशन टीम, दिस मेल इज़ रिगार्डिंग फ्रॉम ऑर्डर नंबर ये है आपका और अपॉन चेकिंग वी हैव रिसीव्ड एन अपडेट। मतलब इनकी टीम से इनको जो अपडेट मिला है वो ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट आइटम रिसीव हुआ है हमारे फुलफिलमेंट सेंटर में। अब जब हमें डिफरेंट आइटम मिला है तो हम डिफरेंट ही वो जो हमें मिला है वही तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि आपको डिफरेंट आइटम मिला है तो इसमें हम क्या करें, आपको पैसे नहीं वापस दे पाएंगे। बोल रहे हैं कि वी विल नॉट एबल टू ऑनर रिफंड एंड रिप्लेसमेंट एज द रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड टू आवर टीम। मतलब इनकी टीम ने ये बोला है कि आपको ना ही रिप्लेसमेंट दे पाएंगे ना ही रिफंड दे पाएंगे और आपने जो आइटम वापस किया है और वो तो गया है कंपनी के पास, लेकिन आपका रिफंड रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब आप बता दीजिए कि 4,000 रुपये की कोई चीज़ है और आपने वो कंपनी को इसी तरीके से वापस कर दी जैसे उसने आपको भेजी, लेकिन आपका रिफंड और रिप्लेसमेंट कुछ नहीं आएगा, तो आपके दिल पर कितनी बुरी बीतती है उस टाइम, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ये फेस कर चुका हूँ और आप भी इस टाइम फेस कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत आपके पास भी ऐसी आ रही है, आपको अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको रिजोल्यूशन 100% मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी ये सब फेस करने के बाद ऐसा ऐसा किया, मतलब पूरी तरीके से जान लगा दी कि मेरा रिफंड आ गया है।
तो आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद फिर क्या टीम दूसरी मतलब मेल किया था मैंने, और फुलफिलमेंट सेंटर में उन्होंने भेजा था कंप्लेंट की, सर फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देते हैं कंप्लेंट, मतलब सब तरीके से कंप्लेंट कर ली थी। तो दूसरी मेल आई थी मैम ये थी कि जेंसी मैम कोई नाम था उनका, दिस इज जेंसी फ्रॉम अमेजन इंडिया सोशल मीडिया टीम, वी गेट मतलब इनको भी एक अपडेट आई थी और ये बोल रही हैं कि वी आर अनेबल टू हेल्प यू रिफंड रिप्लेसमेंट, मतलब इन्होंने भी सेम जवाब दे दिया और उसके बाद भी इन्होंने भी हेल्प नहीं की, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद एक ये है क्या नाम है इनका नाम खैर शायद नीचे होगा लेकिन मैं आपको मेल पढ़ के बता देता हूँ, ये बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी टू नो यू डिड नॉट गेट योर रिफंड एट, मतलब ये इन्होंने बुलाया बताया कि एज इन्फॉर्म प्लीज़ डू वेट 28 तारीख तक, इन्होंने बुलाया कि 28 तारीख तक वेट कर लीजिए और आपका रिफंड आ जाएगा या नहीं आएगा वो सब बताएंगे 28 तारीख को ही, मतलब अपडेट मिल जाएगा एक तरीके से ये बोल दिया था उन्होंने। अब फिर मैंने एक कंप्लेंट किया था कि एक मेल मुझे रिसीव हुआ इस तरीके से, तो ये बोल रहे हैं कि सॉरी वी डिड नॉट गेट योर रिफंड, मतलब ना ही रिफंड देना चाह रहे हैं ना ही रिप्लेसमेंट देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद कोई ट्रेवर नाम का था बंदा अमेजन टीम से, उन्होंने भी सेम रिप्लाई दे दिया, मतलब सारे बंदे एक ही जैसा रिप्लाई दे रहे हैं, एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको रिफंड एंड रिप्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जब बंदा सब तरीके से प्रोसेस करता है पूरे प्रयास करता है उसके बाद भी उसको रिफंड नहीं मिलता तो मतलब एक तरीके से हताश हो जाता है बंदा, सोचता है कि अब क्या करूं मेरा रिफंड आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये सवाल आता है बंदे के मन में कि रिफंड कभी आएगा भी या नहीं आएगा, बस यही पूछता है बंदा कंपनी से कि सर आप मुझे रिफंड देंगे या नहीं देंगे, हाँ या ना करिए बस। तो उसी तरीके से मेरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, मैंने सोचा कि रिफंड जब देना है मुझे को ये पॉलिसी बनी हुई है तो उनको रिफंड देना चाहिए। मैं हार नहीं माना फिर भी मैंने ट्राई करता रहा क्योंकि सोशल मीडिया टीम थी, आई एम संदीप फ्रॉम सोशल मीडिया टीम, मतलब कई सारे बंदों ने आपको मैंने दिखाई दिया है कितने सारे बंदों ने मुझे बोला है कि आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, यहाँ तक देख लीजिए आप, जैसे कि एक दिन ऐसा हो गया कि दिस मेल इज़ रिगार्डिंग आवर कन्वर्सेशन और ये ऑर्डर नंबर है, आई एम चेकिंग योर ऑर्डर एंड सॉरी फॉर द प्रॉब्लम यू हैड विद दिस प्रोडक्ट एंड आई हैव प्रोसेस योर फुल रिफंड। आप देख सकते हैं कि आई हैव प्रोसेस योर फुल रिफंड अमाउंट 3,799 रुपये और ये जो आपका रिफंड आ जाएगा आपकी 3 से 5 दिन में आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ये जो मैंने मेल पढ़ा था उसके बाद एक मैडम थी मयूरी करके, जैसे कि इनका नाम दिख रहे हैं आप मयूरी पी, इनसे मेरी बात हुई थी कॉल पे और इनसे मेरी मैसेज में भी बात हुई थी जैसे कि चैट में होती बात उस तरीके से मेल में, तो मैडम ने बोला था कि आपका रिफंड आ जाएगा आप चिंता मत करिए, ये सीनियर डिपार्टमेंट से थी और ये बोल रही थी कि मैं आपका इशू इंटरनली हैंडल करूँगी, आपका रिफंड जो है वो 100% मैं आपको दिला के रखूँगी। तो मैडम ने मेरी हेल्प की, पूरी तरीके से हेल्प की और आप ऑर्डर नंबर देख लीजिए वही ऑर्डर नंबर है, मैं आपको इसमें बुद्धू नहीं बना रहा, आपको बता नहीं रहा कि किसी और ऑर्डर में दिखा दिया आपको, मतलब वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर दिया, इस तरीके से नहीं है। आप ऑर्डर नंबर चेक कर लीजिए, हर एक मेल में ऑर्डर नंबर सेम है क्योंकि मैंने ये ऑर्डर नंबर सर्च करने के बाद ही फाइंड किया है सारा, तो सब में सेम ऑर्डर नंबर ही आएंगे। उसके बाद ये जो बोल रही थी मैम 25 तारीख तक आपका रिफंड आ जाएगा क्योंकि 17 तारीख को ऑर्डर किया था और 17 तारीख से 25 तारीख तक 8 दिन हो चुके थे मुझे, लेकिन 8 दिन तक मैंने जो डेली स्ट्रगल किया है वो कैसे किया है वो मैं ही जानता हूँ और मुझे पता है कि आप पे इस टाइम क्या बीत रही है कि आपका रिफंड नहीं आ पा रहा, लेकिन आप चिंता मत करिए आपका रिफंड 100% आ जाएगा, जैसे कि आपने ये देख लिया है और उसके बाद भी आपने देख लगे हैं कि मैम ने ये बोला था कि आई एम प्रोवाइडिंग ए फॉलोअप, मैडम ने फॉलोअप लिया था और बोला था मैं कॉल बैक आपको करूँगी, उसके बाद मैडम ने सब कुछ बता दिया कि आपका रिफंड इस तरीके से आपका आएगा और आपने ऐसे ऐसे पे किया है सारा, मतलब बता दिया कि बैंक अकाउंट में आपका इतना रिफंड आ जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। लेकिन हैंड टू हैंड ही मेरा रिफंड उसी टाइम रिफ्लेक्ट कर गया था मेरे अकाउंट में और देख लीजिए एक मेल और आया है कि योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली और इस तरीके से ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि अपना रिफंड आ गया है या नहीं आया है। तो आप इस मेल से आपको इतना पता चल गया होगा कि आपका रिफंड 100% आएगा, जबकि सोशल मीडिया टीम ये बोलती है कि एक तरीके से हाई लेवल की टीम होती है सोशल मीडिया टीम कि उनके बाद कोई भी अमेजन एम्प्लॉई नहीं आपकी मदद करता, बोल देता है कि सोशल मीडिया टीम ने अगर मना कर दिया है तो आपकी मदद हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद भी मैंने प्रयास करता रहा लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया कि मेरा रिफंड आ गया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका रिफंड 100% आ जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको अमेजन टीम से बताना है कि सर ये मेरा ये कंसर्न है और इस तरीके से मेरे साथ ये हो गया है, आपको देखना है और कैसे करके आपका रिफंड आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आसानी से आपका रिफंड आ जाएगा जल्दी से जल्दी, बस आपको ट्राई करते रहना, आपको रुकना नहीं है।
अगर आप रुक जाएंगे तो अमेजन कंपनी को ये लगेगा कि बंदा झूठ बोल रहा था वाकई में। अगर आप नहीं, आप मतलब कि शांत नहीं बैठेंगे, आपको चाहिए रिफंड अपना, तो बोलते रहिए डेली कंपनी से कि सर मेरा रिफंड दीजिए, मेरा रिफंड दीजिए। अगर आप डेली कंपनी से बोलेंगे तो कंपनी को लगेगा कि हाँ ये बंदा सच है, सच बोल रहा है कि और ये झूठ नहीं बोल रहा और ये फ्रॉड नहीं एक तरीके से, तो वो आपका रिफंड 100% आपको दे देंगे। 3 से 5 दिन का टाइम लेंगे आप, लेकिन आपका रिफंड 100% आपका अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपका रिफंड आ जाता है और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पर अगर नए हो तो। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।